अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 जो है ये दो पार्ट्स में है, 3A एंड 3B। वीडियो आपको उसकी यही देखनी है, पार्ट्स दो इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, ये आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते, इसलिए इसको 2 दिन की डायरी में स्प्लिट करके याद करना है। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है कंपेरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहली चीज ये माइंड में आती है कि ये एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं। इससे पहले आप पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है लिथियम सोडियम वाला, उस ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। द ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 है पीरियोडिक टेबल का, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला, उस ग्रुप को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये नेम देने के कुछ रीजंस हैं, इनको उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर ये नेम दिए गए हैं। आपको अगर एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। ग्रुप 1 जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, उस ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ग्रुप 2 को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अब आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटीज को कंपेयर करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखने लगे हैं इन दोनों की, इसके लिए आपको बुक पर यह है पेज नंबर 143 पर टेबल नंबर 8.3। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं क्योंकि फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉपिक कौन सा है। पेज 143 टेबल 8.3। अब हम वो टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। उस टेबल में टोटल जो है 8 पॉइंट्स है। 8 पॉइंट्स में आपको एक साथ समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले से बता रही हूँ 4 पॉइंट्स आज की डायरी है और बाकी के 4 पॉइंट्स आपकी मंडे की डायरी है। ठीक है, तो 4 चाहे तो आप यहां से आज 4 पॉइंट्स ही समझें और बाकी नेक्स्ट 4 पॉइंट्स जो है वो आप मंडे को कर लें। तो आज की डायरी में 4 पॉइंट्स जाएंगे। पहले 2 पॉइंट्स हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है अक्रेंस का, कि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अक्रेंस में क्या डिफरेंस है। एल्कली मेटल्स जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, एक बात देखें, जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है ना, वो कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती, वो कभी भी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। जैसे आप सोडियम पोटेशियम को देखें तो ये अकेले फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखें, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, जितना ज्यादा वो रिएक्टिव होता है वो उतना ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा और एनवायरनमेंट में उसको जो भी चीज मिलेगी, अगर आप उसको इवन एयर में भी निकालें तो एयर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितनी चीजें उसको मिलती है, वो किसी ना किसी से रिएक्शन करके अपने और कुछ नहीं तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ही बना देगा। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होती है, ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होती। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखें। नेक्स्ट है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये फेयरली रिएक्टिव है। फेयरली रिएक्टिव का मतलब है कि ये भी रिएक्टिव है बट दे आर लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल। तो ये जो है ये भी कंबाइंड स्टेट में ही प्रेजेंट होती है। ये दोनों एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं है, मोस्टली ये कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होती है। दोनों को कंपेयर करें तो एल्कली मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फेयरली रिएक्टिव है। इसका मतलब कि वो नॉन रिएक्टिव तो नहीं है, रिएक्शन वो शो करती है लेकिन लेस देन एल्कली मेटल्स। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। इस चैप्टर में आप इससे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को काफी डिटेल में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अगर हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में समझाया था, किसी एटम, कोई एटम जौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है उतने ही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कि अगर कोई एटम ग्रुप 1 में प्रेजेंट है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कोई एटम ग्रुप 2 में प्रेजेंट है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली कोई 6 ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, तो एल्कली मेटल्स सारी की सारी एल्कली मेटल्स में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा उनके आउटर मोस्ट शेल में, और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्योंकि सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप सोचें कि किसी एलिमेंट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान है।
एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इजीली लूज कर देंगे, ज्यादा जल्दी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो ग्रुप वन के जो एलिमेंट हैं वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, वो थोड़ी सी एनर्जी लेंगे फटाफट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। ग्रुप टू के एलिमेंट्स भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बट दे आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन ग्रुप वन, क्योंकि इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने होते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे फिर दूसरा रिलीज करेंगे, तो इसमें काफी टाइम और काफी एनर्जी कंज्यूम होती है। इसको आपको एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 520 किलो जूल पर मोल है, जो कि लिथियम की है, और सबसे लास्ट जो एलिमेंट है उसकी 376 है, जो कि सीजियम की है। तो इनकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेंज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए। इसी को अगर आप कंपेयर करो ग्रुप टू के एलिमेंट्स के लिए, तो ग्रुप टू के एलिमेंट में जो बेरिलियम है उसके लिए 1756 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि बेरियम के लिए 9605 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो अब ये आप देखोगे इनकी एनर्जी, जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, इसका मतलब है कि वो कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों के मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बट ग्रुप वन की मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ग्रुप टू की लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इनकी एग्जांपल्स भी आपने साथ करनी है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी और सीजियम की कर लें ग्रुप वन से, और ग्रुप टू से बेरिलियम और बेरियम की कर लें। इस तरह से आपके फर्स्ट टू पॉइंट जो है इस टेबल के वो कंप्लीट हो गए हैं, अकरेंस एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद वॉटर। अब रिएक्शन विद वॉटर जो है इसको लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं है, इससे पहले आप कुछ रिएक्शंस कर चुके हैं। पहले डिटेल देखें कि ये दोनों जो है एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों वॉटर से रिएक्शन तो देती हैं। अब हमने देखना है कि इनमें डिफरेंस फिर क्या, अगर दोनों ही रिएक्शन दे रही है तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये होगा कि कौन सी मेटल ज्यादा विगरसली रिएक्ट कर रही है, विगरसली रिएक्ट करने का मतलब है बहुत तेजी से, और कौन सी मेटल है जो स्लो रिएक्शन देती है। तो एल्कली मेटल्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, उसी तरह से ये वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करेंगी, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। इमेजिन कर लें कि सोडियम और वाटर अगर रिएक्ट करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन है। तो इसे आपने याद रखना है, सोडियम और वाटर की एग्जाम्पल, सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, तो आप भी बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखेंगे। दूसरी तरफ है आपके पास एल्कलाइन अर्थ मैटर में मैग्नीशियम की एग्जांपल। मैग्नीशियम जो है वाटर से रिएक्ट तो करती है लेकिन थोड़ा स्लो रिएक्ट करती है, ये लेस विगरसली रिएक्ट करती है, और इसे रिएक्ट करने के लिए हीट करना पड़ता है, हीट करके ये भी बेस ही बनाएगा। अब देखिए ये चीज जो सिमिलर है वो सिमिलर है कि ग्रुप वन के मेटल्स भी वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ग्रुप टू के एलिमेंट्स भी कर रहे हैं। ग्रुप वन के एलिमेंट्स भी एल्कलाइन सॉल्यूशन बना रहे हैं, ग्रुप टू के एलिमेंट्स बेसिस बना रहे हैं। डिफरेंस क्या है, ग्रुप वन के एलिमेंट विगरसली रिएक्ट करते हैं और ग्रुप टू के लेस विगरसली, और ये रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये सिर्फ ऑक्साइड्स बना रहे हैं। लाइक मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा वाटर से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। दोनों साइड पर हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो रही है लेकिन एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बना रही हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो उसी तरह से एल्कली मेटल्स जो है वाटर ऑक्सीजन से फौरन रिएक्ट कर लेती हैं, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल थोड़ा स्लो रिएक्शन देती हैं, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगी तो ये तो बहुत बेसिक रिएक्शन है कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो उसके ऑक्साइड बन जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है Na2O है। बहुत स्टूडेंट्स Na2 लिख देंगे, वो गलत होगा, आपने Na2O लिखना है। और जब इनके ऑक्साइड्स को वाटर से रिएक्ट करवाया जाए तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन बना देते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं। दूसरी तरफ मैग्नीशियम देखें तो मैग्नीशियम उसी तरह से वाटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। सोचने में आ सकता है ना कि मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट कर रही थी तब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, अब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है तब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो डिफरेंस ये है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही, और इनके ऑक्साइड्स को जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो इसका भी हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी आज तक की डायरी है, इससे नेक्स्ट पॉइंट्स मैं आपको समझा तो रही हूँ लेकिन वो मंडे की डायरी में जाएंगे। ठीक है, बी पार्ट स्टार्ट हो रहा है इस लेक्चर का। अब यहाँ पर आप देखें
रिएक्शन विद हेलोजन एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन का रिएक्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन से जब कोई चीज रिएक्ट करेगी तो वो हाइड्राइड बनाएगी, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर ऑक्साइड बनता है, इसी तरह हाइड्रोजन से रिएक्शन के बाद हाइड्राइड बनेगा। जब एल्कली मेटल फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा जो कि NaH है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड में KH होगा। और दूसरी तरफ है आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगी तो वो भी अपना रिस्पेक्टिव हाइड्राइड बनाएंगी, लेकिन उनके हाइड्राइड का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक कैल्शियम जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो CaH2 बनेगा, फर्स्ट ग्रुप वाले NaH बनाएंगे, सेकेंड ग्रुप में CaH2। फिर हैलोजेंस आ गए तो हैलोजेंस से रिएक्ट करने के बाद हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। हैलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो ग्रुप 7 है आपके पास, इसके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? सॉरी, हैलोजेंस। तो जब हैलोजेंस से रिएक्ट होगा तब देखें सोडियम और क्लोरीन, कॉमन एग्जाम्पल आपको पता है कि जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। और इसी तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हैलोजन से रिएक्ट करती हैं, लेकिन उनके हैलोजेंस में फॉर्मूला क्या है? CaCl कोई चीज नहीं होती, CaCl2 होगा। ये दो रिएक्शंस हैं। और उसके नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड रिएक्शन विद कार्बन। तो नाइट्रोजन से रिएक्ट, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बना, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनेंगे। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि एल्कली मेटल्स कोई नाइट्राइड नहीं बनाती और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्राइड, स्टेबल नाइट्राइड बनाती है। मतलब कि स्टेबल का मतलब है कि ये बहुत अच्छी तरह से एनवायरनमेंट पाए जाते हैं, ये नहीं कि किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। लाइक मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देंगे। फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, आपने याद रखना है, मैग्नीशियम N2 से मिलेगा तो Mg3N2 बनेगा, इसको आपने याद रखना है। लास्ट रिएक्शन है कार्बन के साथ, तो एल्कली अर्थ मेटल्स जो है ये कार्बन से भी डायरेक्टली रिएक्शन नहीं देती, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बन से रिएक्ट करके स्टेबल कार्बाइड बनाते हैं। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन या विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड। इसी तरह से कार्बन के रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कि एल्कली मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगी। एल्कली मेटल्स में आपको सोडियम, पोटेशियम वगैरह के नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टू पॉइंट जो थे ये आपकी मंडे की डायरी है, आपने इसको मंडे को याद करना है। और टू टाइम्स मिनिमम, एक पॉइंट जो है 2 times लिखना और रिएक्शन जो है 5 times होनी चाहिए। तो हम पीछे मूव कर रहे हैं, जो आपका फर्स्ट स्टार्ट पे जो रिएक्शन थे, हर रिएक्शन को आपने 5 times लिखना है और पॉइंट्स जो है आपके 2 times होने चाहिए। आई होप कि आपको डायरी समझ में आ गई होगी। पेज नंबर 143, टेबल 8.3 आप 2 parts में करेंगे। पहले 4 points पार्ट ए है, लास्ट 4 points पार्ट बी है। पहले 4 points फ्राइडे की डायरी है, लास्ट 4 points मंडे की डायरी है। अच्छे से लर्निंग करें और रिटन प्रैक्टिस करें। थैंक यू।